हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सेवन्थ के लिए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। और इस चैप्टर के जो वो हैं राइटर हैं लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय रशिया के बहुत ही फेमस राइटर हैं, ये उनकी कहानी है। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग अपनी बुक भी लेकर बैठिए और जब हम पढ़ाएँ तो आप अपनी बुक में देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और चैप्टर का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन एंड रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। इसको लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। जैसे कि चैप्टर के टाइटल से पता चलता है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। अब इसी चीज़ को इस कहानी के अंदर डिस्कस किया गया है। इस कहानी के दो चैप्टर में दो करेक्टर हैं मेन। पहले करेक्टर का नाम है मलाशा, जो कि एक बड़ी लड़की है। और दूसरे करेक्टर जो कि छोटी है, जो छोटी लड़की है उसका नाम है मलाशा, और जो बड़ी लड़की है उसका नाम है अकुल्या। दो लड़कियां हैं इसमें, मलाशा और अकुल्या। मलाशा छोटी है, अकुल्या बड़ी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं वैसे क्रिश्चियंस में भी त्यौहार होते हैं। तो ईस्टर का त्यौहार है। ईस्टर के त्यौहार में बच्चे, जैसे हम लोग अपने त्यौहारों में क्या करते हैं कि रंग बिरंगे ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस पहन के घर से बाहर आते हैं, खेलते कूदते हैं। तो ईस्टर का त्यौहार है, तो बच्चों को उनके माँ बाप ने खूब तैयार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहना के पहनाया और बाहर भेजा। तो मलाशा अपने घर से बाहर निकली और अकुल्या भी अपने घर से बाहर निकली। दोनों अपने अपने घर से बाहर निकले, छोटे बच्चे थे, और स्लेजिंग करने के लिए निकले। स्लेजिंग क्या बोलते हैं कि जैसे क्योंकि ये रशिया की कहानी है तो रशिया में बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब बर्फ़ जम जाती है तो बर्फ़ के ऊपर सरकते हैं। छोटी सी गाड़ी होती है उस पर बैठ के स्लेज करते हैं, सरकते हैं। तो वही सब खेलने के लिए बच्चे घर से बाहर निकले। तो मलाशा भी अपने घर से निकली अच्छे अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा ड्रेस पहन के, और अकुल्या भी पहन के निकली। अब दोनों जब बाहर निकले तो वहीं पर थोड़ी दूर से बर्फ़ जो थी वो मेल्ट होकर पिघल कर आ गई थी और उससे एक छोटा सा पडेल टाइप का बन गया था, गड्ढा था, उसमें पानी भर गया था। तो मलाशा ने अकुल्या से कहा कि चलो इस छोटे से गड्ढे में खेलते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। तो मलाशा ने को अकुल्या ने रोका, नहीं हम लोग इसमें नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसमें खेलेंगे तो इसका जो के अंदर जो गंदा पानी है या जो पानी है इसके अंदर, उससे हमारा पूरा कपड़ा स्पॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मलाशा ने कहा अरे क्या हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग अपने सॉक्स उतार लेंगे, जूते उतार लेंगे और स्कर्ट को थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे, उसके बाद आराम से इस पानी के अंदर चले जाएंगे। तो अकुल्या ने कहा ठीक है, चलो जैसा तुम कहती हो वैसे ही करते हैं, लेकिन देखो जब हम लोग पानी में जाएंगे तो बहुत तेज़ी से पानी में मत चलना, अदरवाइज़ ये स्प्लैश होगा, पानी उछलेगा, उछल के हम लोगों के ऊपर आएगा और हम लोग का पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो मलाशा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग पानी में जाने लगे तो मलाशा छोटी थी और वो खुशी में कूदने लगी पानी में, और जैसे ही पानी में कूदी और पूरा पानी जो था वो उछला और उछल कर अकुल्ला की फ्रॉक पे आ गया, उसके मुंह पे आ गया। तो अकुल्ला को बहुत गुस्सा आया, शी गॉट वेरी एंग्री एंड शी स्टार्टेड चेज मलाशा, और उसने मलाशा को दौड़ाना शुरू किया। मलाशा डर गई कि कहीं अकुल्या उसको पकड़ेगी मारेगी। तो जब वो भागी तो उतनी देर में अकुल्या की मदर जो थी वो घर से बाहर निकल आई। उसने देखा कि उसकी लड़की की पूरी फ्रॉक व्रॉक ख़राब हो गई है। तो अपनी माँ को देखकर अकुल्या ने कहा कि मम्मा आई डिडेंट डू दैट वन, मैंने ये नहीं किया है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मलाशा, ये मलाशा की वजह से हुआ है। तो उसकी माँ ने मलाशा को पकड़ा और उसको मारने के लिए गई। तो जब जैसे वो मारने के लिए गई तब तक जो है मलाशा की मम्मी भी घर से बाहर निकल आई, और उसने जब देखा कि उसकी लड़की को पकड़कर अकुल्या की मम्मी मारने वाली है तो दोनों आपस में झगड़ने लगे थे, स्टार्टेड क्वारलिंग विद ईच अदर, आपस में लड़ने लगे। लड़ाई बहुत बढ़ गई, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर। उतनी देर में जो अकुल्या है, अकुल्या की जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो आई, और आने के बाद उसने कहा कि वाई आर यू फाइटिंग, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि दे आर चिल्ड्रेन, दे आर, ये बच्चे हैं, दे फाइट एंड फॉरगेट एवरीथिंग सून, ये लड़ते हैं और फौरनी के फौरन सब कुछ भूल जाते हैं। यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन सच अ स्टूपिड थिंग्स, तुमको इस छोटी सी चीज़ में उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं, और जो है क्योंकि
जो है उन लोग आपस में लड़ते रहे, बात बहुत बढ़ती चली गई। लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने कहा कि मलाशाह किधर है और अकुल्या किधर है, तो थोड़ी देर के बाद देखा कि थोड़े से पौंड के पास जो है उसी पौंड में वो दोनों फिर खेलना शुरू कर दिए। इधर बड़े लड़ रहे थे, उधर वो लोग खेल रहे थे, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सही में सच बात तो ये है कि हमको बच्चों के बीच की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए। इसी लोग कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, इनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई या कि जलन ऐसा कुछ होती नहीं है, वो मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो जो है हमें बच्चे की बातों में, बच्चों की लड़ाइयों में बड़ों को पढ़ना नहीं चाहिए। यही जो है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन के का मोरल स्टोरी है, यही इसकी मोरल स्टोरी है। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको सबसे पहली चीज़ इसकी रीडिंग करिएगा, अच्छे से रीडिंग करिएगा, और रीडिंग करने के बाद सब कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैं आपको आपके गूगल क्लास के मटेरियल सेक्शन में भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।